मैं समझता हूं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ने सही निर्णय लिया है। जिस प्रकार के आपत्तिजनक और भड़काने वाले बयान और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है कर्नाटक में, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने जमीनी हकीकत देख ली है, उनके ध्यान में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है कर्नाटक में, और ऐसी परिस्थिति में उनके अखिल भारतीय अध्यक्ष जैसे वरिष्ठ नेता इतने ओछे बयान देने पर उतर आए उन, और फिर जब उन्हें ध्यान में आए कि वो ज्यादा बोल गए तो उसको घुमा फिरा के कहने की कोशिश करें कि मैं ये मतलब नहीं था, और अपने लड़के को आगे कर दें, और उनका लड़का फिर उस विचारधारा को कांग्रेस की छोटी सोच को आगे बढ़ाए, ये बहुत छोटे स्तर की राजनीति का एक प्रतीक है। कांग्रेस की मानसिकता इसी प्रकार की रही है। आपने देखा कि पुलिस तक के बारे में उन्होंने उल्टे सीधे बयान करने शुरू कर दिए, पुलिस को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियां भी ना निभा पाए। और जिस प्रकार से आज अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ही ले आए, उससे तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पहले इन्होंने राम का अपमान किया, आज बजरंगबली का अपमान किया। अब आखिर बजरंग दल एक समाज सेवी राष्ट्रवादी संस्था है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में ऐसे क्लेम्स करे, भड़काने वाली कोशिश करे और एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विशेष एक समुदाय को अपील करने वाले के लिए इस प्रकार से बयान भी करे या इस प्रकार की घोषणाएं करे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और स्वागत करते हैं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ने जो चेतावनी दी है, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता इसका इज्जत करेंगे। वैसे तो जिस प्रकार के उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सम्मान नहीं दिया, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उन्होंने पार्लियामेंट का अपमान किया, इलेक्शन कमीशन का अपमान किया, माननीय न्यायालय का अपमान किया, माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल और उनके ध्यान में आएगा कि देश की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।